बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अजीम अहमद, आप देख रहे हैं अजीम जी व्लॉग्स। पांच हालतों में खामोश रहें। जब आप महसूस करें कि कोई आपके अल्फाज से आपके एहसास को नहीं समझ पा रहा, तो उस वक्त खामोश रहें। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, आपको अपने ख्यालात और महसूस पहलुओं के बारे में इल्म पर शक हो, तो उस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो, तो आपको उस किस्म की मुनफियत का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई गुस्से और नफ़रत में चीखता है और बड़बड़ाता है, तो आप खामोश रहकर उस शख्स को आराम देते हैं। जब कोई दूसरा शख्स जज्बाती तौर पर अपनी ज़िंदगी की कुछ वाकियात शेयर कर रहा हो, तो खामोश रहकर सुने। कभी भी किसी के सामने अपनी वजाहत मत करें, क्योंकि जो शख्स आपको पसंद करता है, उसे उसकी ज़रूरत नहीं, और जो आपको नापसंद करता है, वो उस पर यकीन नहीं करेगा। बर्फ़ के टुकड़ों की खूबसूरती की तारीफ़ करने के लिए सर्दी में बाहर खड़े होना ज़रूरी है। अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। अगर तुम हर नसीहत से घबरा जाते हो, तो तुम खुद को कैसे ठीक करोगे? दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। जो दर्द तुम महसूस करते हो, वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। गमगीन ना हो, आपको कुछ भी खो देते हैं, वो दूसरे शक्ल में आ जाता है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो मुसलसल मेहनत करते रहो। ज़िंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि ये अनकरीब चली जाएगी। सच्चाई के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने जो चुना, वो मोहब्बत का रास्ता है। रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।